कनक्स किचन में बनने वाली ये सुपर क्रीमी क्रीमी कस्टर्ड आइसक्रीम आप देख सकते हैं। इसका टेक्सचर बिना अंडों, बिना कंडेंस मिल्क और बिना मशीन के, और इतनी अच्छी बनेगी ना फ्रेंड्स कि आप पूरी गर्मियाँ इसी को खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले एक हैवी बॉटम पैन में यानी कि मोटे तले बर्तन में हम डालेंगे 2 कप दूध, जो कि है करीबन आधा लीटर, और इसमें अच्छा सा बॉयल आने का वेट करेंगे। तो इसको लगातार स्टर करते जाइए जैसे कि दूध चले ना, और जैसे इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा गैस का फ्लेम लो मीडियम कर देंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ शुगर, तो शुगर मैं कितना डाल रही हूँ 1/2 कप। इससे काफ़ी अच्छी मिठास आ जाती है। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे जैसे शुगर अच्छे से पक जाए और दूध थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे। तो दूध जब तक गाढ़ा हो रहा है साइड में, चलिए कस्टर्ड का मिक्सचर बना लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोल में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। मैंने वेनिला फ्लेवर लिया, आप चाहें तो और कोई फ्लेवर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ठंडा दूध। ये पहले से बॉयल किया हुआ दूध है, मैंने फ्रिज में रखा था। इसको मिक्स करेंगे और इसका घोल तैयार करेंगे जिसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो ये रेडी हो गए। चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। देखिए दूध थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, और अब इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और लगातार विस्क करते जाएंगे। तो बस इसको लगातार मिक्स करते जाना है, विस्क करते जाना है, क्योंकि क्या होता है ना, जब गर्म दूध में कस्टर्ड का ये घोल जाता है ना, तो अचानक से वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको लगातार इसको मिक्स करते जाना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो मैंने पूरा मिक्सचर ऐड कर दिया और लगातार इसको मिक्स किया। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आपको देख के पता चल रहा होगा कि दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए मैं आपको 3 से 4 मिनट के बाद दिखाती हूँ, काफ़ी गाढ़ा हो गया, एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी का आ गया है। और ये ठंडा होने के बाद भी ना और सेट हो जाता है। तो इस वक्त गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो इसको किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी खासी गाढ़ी है। तो इसको सबसे पहले रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक बोल में मैंने यहाँ पे लिया 1 कप व्हिपिंग क्रीम। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको लो स्पीड में बीट करेंगे, और जैसे जैसे क्रीम गाढ़ी होती जाएगी इसको हाई स्पीड में बीट करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये वाली मैं ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि क्या होती है ना, ये वाली जो क्रीम है ना मीठी होती है, तो आपको एडिशनल शुगर या और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको बीट करते जाइए करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखिए आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी थिकनेस आ गई है, थोड़े से स्टिफ पीक्स बनने लगे हैं। बस और ज़्यादा बीट नहीं करेंगे। और चलिए हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैंने फ्रिज से निकाल दिए, काफ़ी सेट हो गया है, ठंडा हो गया है। मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ, काफ़ी गाढ़ा हो गया, पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब इसको ऐड करेंगे इस व्हिपिंग क्रीम में। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाइए और लगातार बीट करते जाइए ताकि उसमें अच्छे से मिलजुल जाए। क्योंकि क्या है ना, व्हिपिंग क्रीम काफ़ी हल्की और सॉफ्ट है और ये थोड़ा सा गाढ़ा है। तो इसको लगातार ब्लेंड करते जाइए, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और बीट करते जाइए 2 से 3 और मिनट के लिए। तो मैंने पूरा कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रीमी बेस तैयार हो गया है। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कलर की कमी है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस पिंच ऑफ येलो फूड कलर। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे क्या होता है ना, बढ़िया सा कलर आ जाए, बिल्कुल वैसा ही कलर है जैसे कि मार्केट में मिलता है ना फैमिली पैक में, बिल्कुल उसी तरह से। तो इसको भी बीट कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से हमारा बेस तैयार हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कवर कर लेंगे क्लिंग रैप से या फिर फॉइल से, और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, मतलब फ्रीज ही करेंगे 2 से 3 घंटों के लिए, जब तक ये सेमी सेट ना हो जाए। तो इसको कवर कर लेंगे क्लिंग रैप से या फिर फॉइल से, इस तरह से ऊपर थोड़ा सा दबा लीजिए ताकि आइस क्रिस्टल्स ना जमें, और इसको फ्रीज करेंगे 2 से 3 घंटों के लिए, जब तक ये सेमी सेट ना हो जाए। तो मैंने बस इसको 2 घंटे के लिए रखा था आपको दिखाने के लिए। ये देखिए अब इसको क्या करेंगे ना, फिर से व्हिप कर लेंगे। डबल से व्हिप करने से क्या होगा ना, आपकी जो आइसक्रीम है ना और भी ज़्यादा फ्रॉथी और क्रीमी और लाइट बनेगी, और इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं रहेंगे। तो इसको मैंने और बीट कर लिया 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी और कलर भी थोड़ा और लाइट हो गया है। तो बस अब ये हमारा बेस रेडी हो गया है। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे कोई भी बॉक्स में,
आप चाहें तो छोटे छोटे डब्बों में या फिर आइस बॉक्स में भी सेट कर सकते हैं। और फिर इसको कवर कर लेंगे फिर से क्लिंग रैप से और डब्बे को क्लोज करके फ्रीज करेंगे पूरी रात के लिए। तो ये देखिए आइसक्रीम मैंने पूरी रात के लिए सेट की थी, अच्छे से फ्रीज हो गई है। मैं आपको क्लिंग रैप हटा के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितने बढ़िया ग्रेन्स आए हैं। तो बस इट्स टाइम टू स्कूप इट आउट, मैं आपको इसको स्कूप करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा क्रीमी बनी है फ्रेंड्स, आपको देख के अंदाजा लग रहा होगा। मैं आपको एकदम जूम से दिखा रही हूँ, जैसे ही मैं स्कूप कर रही हूँ ना थोड़े भी आइस क्रिस्टल्स नहीं है और पूरी जो टेक्सचर है ना आइसक्रीम का एकदम क्रीमी क्रीमी है। तो बस इसको सर्व करेंगे और फिर इसको ऊपर से आप गार्निश कर सकते हैं थोड़े से टूटी फ्रूटी के साथ, और अगर आपको चाहिए तो आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा क्रीमी बनी है, मैं आपको अब इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये इतनी ज्यादा क्रीमी बनी है फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको खुद को ये रेसिपी ट्राई करनी है इस गर्मियों में और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक्स जरूर दे दीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो। चलो कम से कम 3000 लाइक्स करते हैं इस वीडियो के लिए। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, बाय बाय।